हेलो, ह्यूज़ का इसके साथ सब मैं आपका भाई निकू और आप देख रहे हो निकू व्लॉग्स। तो गाइस अभी बच्ची ने स्कूल के बाहर खड़ा हूँ। चीनी को लेने आया था, इसको देखो भाई, इसकी नाक देखो गाइस। हां अब फुला भाई साहब, भैया रिया के दीदी के साथ सेंगी एस करो। रिया के साथ सेंगी एस करें। हां ये स्कॉर्पियो ले के आओ ना, उसमें ड्यूक को बिठा के लाना, स्कूल में छोड़ देना। देखो भाई ये क्या कह रहा है, तेरा ड्यूक को लेके आओ, स्कॉर्पियो एन में बिठा के और स्कूल में छोड़ दो। मस्त प्लान, क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। सारे टीचर प्रिंसिपल बच्चे सब भाग जाएंगे ड्यूक को देख के। खड़ा होगा फौजी बनूंगा मैं। अच्छा मेरे पापा मेरे को मंकी बोलते हैं। मेरा नाम गोरिल्ला है। मैं गोरिल्ला हूँ एक। मेरे को ना भाई ये मस्त लगा, साफ कह रहा है मैं गोरिल्ला हूँ, मेरे पापा मेरे को मंकी कहते हैं। इसकी नाक भी बहुत मस्त लगी भाई साहब। पुष्पा पुष्पा साला आ गया। ओ भाई ये क्या कर रही है, चक्कर नहीं आएंगे तेरे को। तो गाइस आज एक कमाल हो गया, चीनू को आज मैंने ही प्रसाद दे दिया। मतलब बात ही नहीं मान रहा था गाइस, प्रसाद खाने वाले काम कर रहा था, प्रसाद मिल गया इसको मेरी तरफ से। कैसा लगा? मजा नहीं आया। अब आया मजा? आया। छपरी है तू? कह रहा छपरी हूँ मैं। चीनू को प्रसाद दे दिया आज मैंने। आई एम छपरी पापा। चल मैं मिल दूंगा अभी प्रसाद, रुक जा। छपरी में कह रहा आई एम छपरी। गोल्डन प्ले बटन आएगा अभी दो हफ्तों में। कैसे हो? घूमने चले। हाँ। ओ भाई गाइस स्टीफन के पास ना दो डॉग है, दोनों जर्मन शेफर्ड। ओ भाई ये आपस में लड़ाई करते हैं भाई साहब। तो गाइस स्टीफन को ले लिया है, अभी स्टीफन को ड्यूक से मिलवाते हैं। रुक जा, ओए भाग गया, पकड़ के ला उसको जल्दी जा। फिर से भाग गया ड्यूक के नाम से। ओ भाई साहब पकड़ लिया, चुरू ने लिया इसको। क्या हो रहा है इनके बीच में? ओ लड़ाई मत करो। ओ भाई ओ क्या कर रहे हो भाई? भाई साहब ये तो कुश्ती करने लग गए। ओए वो लड़ाई मत करो। तो गाइस आशु फिलहाल घर पे नहीं है, तो ना भाई डेली पैंथर और ड्यूक को घुमाता है, आज वो नहीं है ना तो आज हमें घुमाना पड़ेगा। गाइस चाचा ने ड्यूक को पकड़ लिया, मैं पैंथर को लेके चलता हूँ। पैंथर ओ भाई चीनू के ऊपर चढ़ गया, चीनू को जितना हो गया पैंथर। पैंथर ओ भाई ओए भाई ओए परेशान कर रहा है चीनू, परेशान कर रहा है। आशु भी आ गया है, आ जा रहे हो भाई इनको लेके, घुमा के लेके आ रहे हैं, आज साथ में चलते चलते। कोई से कंट्रोल ही नहीं हो रहा। ओ भाई मेरा भूत का निकल गई, क्या बताऊं भाई। ओ भाई साहब, ओ भाई, ओए लिया, ओ बस ओ भाई गिर जाएगा भाई, ड्यूक उसको खींच के ले गया। गाइस बहुत दिनों के बाद जंगल में जा रहे हैं, कालू मोगली भी साथ साथ चल रहा है। ओ भाई साहब भाई साहब उठाओ इसको जल्दी साहब। गाइस आशु को चोट मार दी ड्यूक ने, तीनू पकड़ रहा है, खींचे भी तो है यार। गाइस आशु की दवाई तशरीफ फोड़ दी ड्यूक ने। अभी फिलहाल जंगल के अंदर आ गए हैं, अभी ना भाई स्टीफन के साथ ना भूत वाला प्रैंक करेंगे। भूत से डरता है तू? भूत होते हैं वैसे? होते भी नहीं है। तो गाइस अभी ना भाई इस रास्ते से आए हैं, अजीब सा ही रास्ता था पूरा, ये देख लो गाइस चोट लग गई भाई बहुत ज्यादा, रहने से छेड़ मत। छोड़ना डॉक्टर के पास लेके चलो। तो गाइस अभी फिलहाल हम उसी कुएं के पास आ गए हैं जहाँ पे ना भाई बहुत पहले आते थे। जब आते थे ना गाइस यहाँ बहुत अजीब फील होता था, जैसे सर में दर्द हो रहा है, रोंगटे खड़े हो रहे हैं, पूरी गैंग आई थी हमारी, सबको फील होने लग गया था। गाइस उसके बाद भी बहुत बार आए हैं, जब वीडियो नहीं बनाई हमने। गाइस यहाँ भाई धीरे धीरे ना फील होना बंद हो गया, पहले की तरह नहीं होता ना यहाँ पे, बिल्कुल नॉर्मल है। गाइस स्टीफन के साथ ना प्रैंक करेंगे। क्या हो गया भाई? भाई ये क्या हुआ, कैसा डराया सोनू ने अचानक, इसको डराया और मैं भी गिर गया। गाइस पैंथर ने रस्सी पकड़ ली भाई, छोड़ नहीं रहा, लॉक लगा दिया। ओ भाई साहब। तो गाइस फाइनली भाई मिशन सक्सेसफुल हो गया, इसको डरा दिया आज हमने फाइनली। ये कह रहा था मैं डरता नहीं हूँ, क्या हुआ, क्या पैंथर पकड़ेगा हाथ में? एक मिनट, नहीं रहने दे, क्या हुआ? गाइस अब कह रहा ड्यूक को पकड़ूंगा मैं। ओए 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 लगी ना मत पकड़ गिर जाएगा। हर कोई गिर जाता है, मैं भी गिर जाता हूँ, चाचा भी गिर जाता, सब गिर जाते हैं, ये मानना ही नहीं। एक बार गिर गया ना तब मानना, तेरा कुत्ता भी ऐसे खींचता है। चल ड्यूक। ओ भाई भाई साहब चीनू की टी शर्ट पकड़ ली भाई। भाई साहब ये लोग बहुत लगाता है पैंथर, छोड़ दे पैंथर, छोड़ दे भाई पैंथर, छोड़ दो। गाइस ये कोई भी ऐसी चीज देखता ना, कपड़ा रस्सी वगैरह कुछ भी, तो उसको पकड़ के लोक लगाने की सोचता है। ले भाई। ओ भाई स्टीफन के पीछे लग गया ये। ओ भाई साहब पैंथर क्या हो गया?
पैंथर को मार क्यों रहा था फिर? गाइस ये ना भाई पैंथर को थप्पड़ दिखा रहा था, पैंथर ने इसको पकड़ लिया था अभी। ले आ गया आजा। ओ भाई फिर से आ गया, ओ भाई, ओ नहीं भाई उसको थप्पड़ क्यों दिखा रहा फिर तू? उसको सॉरी बोल दे इसको। सॉरी भैया। तेरा क्या बोला तूने? गाइस पैंथर को सॉरी बोल रहा है। रोके मत बोल, हंस के दिखा, हंस के दिखा। सॉरी। रोके मत बोल, हंस के बोल सॉरी। सॉरी। इसके सर पे हाथ रख ले। इसको प्यार कर, फिर नहीं पाड़ेगा। देखा इसको पुचकार पुचकार दे। अब कुछ नहीं कह रहा ना? इसको पप्पी दो। देखा ये समझता है तो उसे सॉरी मांगता है। कुछ भी ना बोले, कुछ भी नहीं बोलेगा अब इसको। अभी ना भाई 6 बजने वाले और अंधेरा हो गया, तो अभी ना भाई भूतों का टाइम हो रहा है। चले भूतों के पास। तू तो डर नहीं लगता मेरे को? सच में होते भूत? तो गाइस अभी जंगल से बाहर आ गए हैं। स्टीवन ना पैंथर को भैया बोलने लग गया। बाय पैंथू बाय। तो गाइस अभी फिलहाल स्टीफन को घर पे छोड़ने जा रहे हैं। चल भाई चलते हैं। स्टीफन घर आ गया आपका। गाइस रिया और मम्मी घर पे नहीं है, मामा की गई हुई है, तो खाना मैं यहीं पे खाऊंगा। आज चाची ने छोले भटूरे बनाए हैं, बहुत टेस्टी लग रहे खाने में। तो गाइस अभी खाना खाते हैं और खाना खा के चलते हैं जंगल में। रात हो चुकी है तो रात में और जाके देखते हैं। तो गाइस खाना तो खा लिया है और अभी ड्यूक को लेकर जंगल में जा रहे हैं। गाइस अगर ड्यूक कुएं के पास भूखा तो गाइस अभी भी वहाँ पे कुछ दिक्कत है, अगर नहीं भूखा तो कुछ नहीं है। हाँ, तू भी चलेगा? गाइस कालू मोगली कह रहे हैं मेरे को भी जाना है। गाइस अपना भाई बहुत पहले बहुत बार घोस्ट हंटिंग के लिए गए, अपना भाई बहुत कुछ फील होता था, मतलब सर में दर्द हो रहा है, फिर धीरे धीरे ना फील होना बंद हो गया। तो गाइस अभी ना भाई रात में कंफर्म करके आ रहे हैं, अब भी मतलब डर लगता है नहीं लगता। ओ भाई, ओ ओ भाई, कालू मोगली सबको भगा रहा है घर में घुस घुस के। चल ड्यूक, चल चल ड्यूक। ओ कैसे भाग रहा है भाई ये, क्या? ओ भाई। तो गाइस सामने कुआ आ गया है, मतलब रात का टाइम, बहुत दिनों बाद कुएं के सामने आए हैं। आगे चल के चेक करते हैं गाइस अभी भी हॉन्टेड है या नहीं है, ड्यूक से चेक करेंगे। मतलब शुरुआत में हमने डिस्कवर की थी जगह, मतलब मैंने बहुत लोगों से सुना था यहाँ पे कि यहाँ पे मतलब ऐसा वैसा हो रखा है। तो जब मैं यहाँ पे पहली बार आया था ना, मैंने भाई कुत्ते बहुत ज्यादा भौंक रहे थे, बहुत ज्यादा। तो गाइस ये देख लो भाई, आज ना चांदनी रात है, यहाँ पे ना कोई भी टॉर्च वगैरह कुछ नहीं जला रखी, फिर भी कुआ दिख रहा है साफ। जो भी चांद की रोशनी है ना उसी से ही सब कुछ दिख रहा है। लाइट जलाना, चल लाइट जलाना, चलो चलो। मतलब वो फीलिंग नहीं आ रही जैसे पहले आती, जैसे सर में दर्द होना, रोंगटे खड़े होने, वो नहीं हो रहा। ड्यूक ड्यूक चल अभी ना ड्यूक को चेक करते हैं। ड्यूक चल वहाँ पे, चल ड्यूक चेक कर, कुछ है या नहीं यहाँ पे? कुछ है ड्यूक? इधर देख, इधर देख, कुछ लग रहा है, उधर देख। अब कुछ भी नहीं भोग रहा ये। नहीं 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 ड्यूक कुछ दिख रहा है? गाइस ये देख लो, मतलब ड्यूक ना कुएं की साइड बिल्कुल भी नहीं भौंक रहा, मेरे पास आने के लिए कह रहा है। अगर कुछ दिखता ना तो कुएं की साइड भागता ही है, ये मेरे पास आने की बोल रहा है। इधर इधर इधर। अभी यहाँ पे ऐसा हो रहा है, हम ना यहाँ पे रात भर रुक भी सकते हैं, चोर लुटेरा वगैरह ना आ जाए, बस उस चीज का डर है। मतलब गाइस जब से यहाँ की वीडियोस बनाई ना बहुत सारी मैंने, तो यहाँ पे ना भाई लोग बाग बहुत आने लग गए, एक तरीके से ना भाई ये एक टूरिस्ट प्लेस बन गया, सब देखने लग गए यहाँ पे आके। गाइस यहाँ पे ना भाई कार वार बाइक वाइक सब चलने लग गई, अब ना भाई ये जगह सुनसान नहीं रही बिल्कुल भी। ये वाला एरिया ना खाली पड़ा हुआ था। गाइस यहाँ पे ना भाई लोगों ने खेती कर दी, गोभी वगैरह उगा दी, यहाँ पे कुआ और इसके साइड में खेती कर रखी है। पहले गाइस ये ऐसे का ऐसे ही पड़ा हुआ था बिल्कुल खाली, अब गाइस यहाँ पे ना भाई लोग आते जाते हैं, जो एरिया सुनसान होता है ना वहीं पे नेगेटिव एनर्जी होती है। अब सुनसान नहीं रहा, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, अभी तो फील नहीं हो रहा गाइस मेरे को। पहले आते थे ना भाई यहाँ पे अजीब सा ही फील होने लग जाता, मतलब एक बार तो पूरी गैंग को लेके आ गए, तब भी गाइस सबको फील हो रहा है साथ साथ, सबको, इतने सारे लोगों को एक साथ सिर में दर्द हो गया था हमारे। गाइस अभी फिलहाल घर पे जा रहे हैं वापस, ठंडा ठंडा मौसम है, दर्जा इलाके ही सो जाऊं। तो गाइस फिलहाल 10:30 बजे से ऊपर टाइम हो गया है और अभी हम घर पे आ गए हैं। चाची कुछ भी नहीं, अब जंगल में डर वाली फीलिंग कुछ भी नहीं आ रही थी, और ड्यूक भी आराम से खड़ा था वहाँ पे, खेती वेती कर दी लोगों ने। और गाइस ये देखो भाई आज तो कमाल हो गया, चीनू पढ़ाई कर रहा है। ये देख लो गाइस पढ़ाई कैसे कर रहे हैं चाची, देखो भाई ये पढ़ाई है इसकी। चाची चीनू के बारे में ना सभी कहने लग गए कि ना ये चीटिंग करता है सच में पेपरों में। भाई सभी बच्चे कह रहे हैं तू चीटिंग करता है पेपरों में, तू अपना फ्यूचर खराब करेगा। मैं बस एक बात कहूं, चीटिंग करनी गलत बात है वैसे ना, नहीं आता है ना लिखो मत। पर एक चीज है, तू तो चीटिंग करके भी मार्क्स नहीं ला पाता वैसे। पढ़ाई करते हैं ठीक है, चीटिंग वीटिंग में ध्यान नहीं देते, पढ़ाई कर, आईएएस वाइस बन, देश का नाम रोशन करो ठीक है। ये बड़ी अच्छी बात कही है, पढ़ाई ना गाइस बहुत जरूरी है। गाइस सारे पढ़ाई करा करो, सबसे पहले पढ़ाई है, पढ़ाई बहुत जरूरी है। गाइस चीकी जैसे बनो, जैसे चीकी पढ़ाई करती है और अच्छे मार्क्स लाती है, चीकी जैसे बनो। तो गाइस अभी 10:30 बज गए हैं, तो अभी घर पे चलते हैं। तो गाइस आज घर पे कोई भी नहीं है, सिर्फ पापा है घर पे। गाइस जो बहुत मिस कर रहा था मेरे को, आज ये मेरे पास ही सोएगा। तो गाइस फिलहाल मैं आ गया हूँ रूम में और जोजो और मैं मस्त लेटे हैं। आज घर पे भाई कोई भी नहीं है, सिर्फ पापा है। तो जोजो को ना गाइस आज मेरे पे बहुत ज्यादा प्यार आ रहा है, ये देख लो मेरे को चाटे जा रहा है, पाड़ भी नहीं रहा। मामा के घर पे फंक्शन है ना, तो मम्मी और रिया परसों आएगी,
बाकी गाइस अभी मैं करूंगा एडिटिंग और अभी 11 बजने वाले हैं और गाइस वीडियो भी यहीं पे एंड करते हैं। यही था आज की वीडियो में। सो थैंक यू सो मच गाइस वीडियो देखने के लिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। तुम्हारे भाई का चैनल है निक्कू का। सो थैंक यू सो मच, बाय एंड टेक केयर।